राज 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 राज। हमारा नाम है राजेश उर्फ राज। अरे डीडीएलजे वाला नहीं, हम है इस घर के प्रोफेशनल और हेल्थ एडवाइजर कम नौकर। प्यार से आप हमें इन दोनों सुंदर कन्याओं की माँ बुला सकते हैं। अरे राज कहाँ मर गया? अरे आ रहा हूँ यार, ढंग से कब्जी भी नहीं काटने देते हैं। हाँ बोलिए। मेरी मॉर्निंग ठीक है दीदी? आपने तो मॉर्निंग की सुबह सुबह पी ली जब आप 5 बजे उठी थी, अभी तो 12 बज रहे हैं। मेरी कॉफी कहाँ है? और आपकी दीदी कॉफी है आपकी साइड टेबल की सेकंड ड्रॉवर में। ये हाथ में नोटबुक की ले रखी है, हमारा ऑर्डर ले रहे हो? ये नहीं नहीं नहीं, इसमें तो हम अपनी ड्राइंग बनाते हैं, देखिए अच्छी है ना। वो सब छोड़, मैं हर रोज आपको एक चप्पल रखती हूँ, सुबह गायब हो जाती है, कहाँ है मेरी चप्पल? अरे दीदी आपको पता नहीं है क्या, रात को रखी हुई चप्पल और मम्मी पापा के बीच में सोया हुआ बच्चा सुबह में कभी अपनी जगह पे नहीं मिलते। ओ अच्छा, सब पता है ना। देखो तो ये बता, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है? तुम राज को नीचा दिखाने के लिए इतना टफ क्वेश्चन पूछ रही हो। थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी इज द फैक्ट दैट मास एंड एनर्जी आर द सेम फिजिकल एंटिटी दैट कैन बी चेंज्ड इनटू ईच अदर अंडर द इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। मैं अपने पापा से सीख के आया। चल ये बताए तो ये भी बता दे कि मेरे एक्स का नंबर क्या है। वो तो तेरे को मिलेगा नहीं क्योंकि मैंने डिलीट जो कर दिया। चल बता बता। दीदी आपके एक्स का नंबर नेहा दीदी के पर्स के पीछे वाली चेन में एक पेपर पे लिख के पड़ा हुआ है। नेहा के बैग में क्यों होगा मेरे एक्स का नंबर? कैसी बात कर रहा है? वो तो आप इन्हीं से पूछ लीजिए। मेरे एक्स का नंबर तेरे बैग में क्यों कर रहा है? तो ये भी पता है दीदी कि आपके एक्स राहुल इस घर में दोबारा वापस भी आने वाले हैं। क्रेडिट कार्ड में या कपड़े फिर क्यों आएगा? क्या कहा था तुमने कि आज के बाद अपनी शक्ल में दिखाना चुड़ैल कहीं की ब्लडी एक्स बट आ गए ना वापस। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई एम नॉट अवेलेबल एंड आई एम वेरी सॉरी टू ब्रेक योर हार्ट। एक सेकंड, अवेलेबिलिटी? कौन सी अवेलेबिलिटी? यहाँ मुझे आज नेहा ने बुलाया है। बेटा वक्त पलट गया, जज्बात बदल गए। कैन यू प्लीज गेट साइड माय पास्ट? इसलिए बुला दिया होगा। राज सुनो, भैया के लिए ना पत्तल निकाल देना और चटाई भी लगा देना, भैया को ठंड ना लग जाए। योर वेलकम। ठंड? इतनी भी कोई ठंड नहीं है। एक सेकंड, तुम्हें पता नहीं है ना मेरी रियलमी वॉच एस प्रो के हिसाब से अभी टेम्परेचर हो रहा है 23 डिग्री सेल्सियस। इट मींस नो ठंड। ओह मुंबई मुंबई, तो मुंबई वालों के लिए जितना ही टॉर्चर है ना उतना हम दिल्ली वालों के लिए वार्म अप बेड़े। एक्स यार मैंने तुझे बताने वाली थी, देख बहन मेरा और ना राहुल का चल रहा है। जी इसमें ऐसा क्या देख लिया तूने? वही जो कुछ टाइम पहले तूने देखा था। हाँ सही है ना नेहा दीदी, अगर राहुल भैया की शक्ल इनकी हाइट और इनकी पर्सनैलिटी निकाल दो तो बचेगा ही क्या? राज जस्ट किडिंग। वैसे तेरे थोड़ा वियर्ड नहीं आया? मतलब मेरा एक्स है तो नहीं, मुझे तो पसंद है। और हाँ ये ना कुछ दिन हमारे साथ रुकेगा। नहीं मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई हैव तो मूव्ड ऑन बट ठीक है, मतलब जो करना करो मैं। चलिए तो अरिता दीदी अगर आप अप्रूव करती हैं तो हम इनका गृह प्रवेश करा देते हैं। अरे इसकी क्या जरूरत है यार। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणनद्वजा मंगलम कुंडिका अक्षा एक कुंडला एक ए बनकर शिट।
राहुल भैया, गलती से आपकी अच्छी खासी वॉच पे पानी फिर गया। Hey, don't worry bro, ये Realme Watch S Pro है। इसके ऊपर अगर पानी गिर भी जाएगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर इसको पहन के स्विमिंग पूल में भी चला जाऊंगा ना तब भी कुछ नहीं होगा। 5 ATM वाटर रेजिस्टेंस है इसके अंदर। गर्ल्स भैया जी, वो हम कह रहे थे कि आपकी वॉच की स्क्रीन ऑन है, बंद कर लीजिए। अबे मेरी Realme Watch S Pro में ऑलवेज ऑन स्क्रीन है। क्या फायदा है ऐसी वॉच का जिसको बार बार चार्ज करना पड़े है? स्क्रीन ऑन है तो बैटरी भी तो नहीं खाती होगी ना। इसकी 14 डेज की बैटरी लाइफ है, अगर तू मर गया ना तो तेरी 13वीं हो जाने के एक दिन बाद तक चलेगा। और चार्जिंग भी ऐसी सी टाइप ए टाइप नहीं, मैग्नेटिक चार्जिंग बेस है बेटे। ये भी ठीक है, तो इसी बात पे ये हमारा कमीशन भाई 100 रुपए तो दे दे यार, घर जाना है। नो जा मौज ले। थैंक यू। What's up, girls? बच्चा है ये, जो इसे अपने हाथों से खाना खिला रही है, और तू घर के अंदर आ गया, इसका मतलब ये नहीं बेडरूम में भी बैठेगा। बाहर जा। यार रहने देना तो आरिता, थक गया है वो। थक गया है तो कौन सा तेरे साथ कुछ कर लेगा? इसे सोफे पे सुला दे। Right. Good idea. त्वारिता तो मेरे लिए इतना तो कर ही सकती है, आज तू सोफे पे सो जा प्लीज। मैं सोफे पे? मेरा घर, मेरा बेड, मैं सोफे पे सो जाऊं? दीदी आप सोफे पे सोगी? हाँ। मैं भी आपके साथ सो जाऊं? सो क्या फर्क पड़ता है बेबी, सोफे पे सोने दो, उसको मैगी खिलाओ। नेहा यार मुझे बाथरूम जाने नहीं, क्या नीचे दरवाजा खोल, क्या कर रही है? खोल यार, पता नहीं क्या क्या कर रही थी। पागल गई क्या? पागल गई पता नहीं क्या कर। मरसिया जी के साथ मैंने पैकअप कर लिया, इसको ना पीछे छोड़ाना पड़ेगा, मेरी दोस्त से पागल करके चुपटी गया भूत की तरह हमारे पे। क्या हो गया दीदी, क्या सोच रही है? चंदू तेरे को एक्स्ट्रा पैसे चाहिए ना, तेरे को एक जॉब रखनी है ना, तो इनका ब्रेकअप करा, इस लड़के को निकाल यहाँ से। अरे दीदी हमसे ये नहीं होता, ये ब्रेकअप हमसे खेल नहीं होता ये। और आप क्या सोच रही हैं, कोई पिक्चर थोड़ी चल रही है कि आप राहुल के पीछे पीछे भागेंगी तो वो नेहा जलने लगेगी। अब पिक्चरों की तरह थोड़ी होगा कि राहुल नहा रहा है और आप नेहा दीदी बनके उसको तौलिया देने जाएं और वो आपको अंदर खींच ले। नेहा बेबी जरा मेरी टी शर्ट पास करना, और उसके बाद नेहा दीदी आप दोनों को साथ में देख भी ले। ऐसा तो नहीं हो सकता, पगला बहुत प्यार करता है ना मुझसे। और ऐसा भी नहीं होगा कि जब आप खाना खा रही हो तब अचानक से खाना गले में अटक जाए और राहुल जल्दी से आपके लिए पानी का गिलास आगे कर दे और आपकी पीठ थपथपाए और इस बार नेहा दीदी फिर से जले। मूवी थोड़ी चल रही है। ये तो आरिता सुन ना। हाँ बोल। हम लोग जा रहे हैं तो तू डोर लॉक कर ले। ये पूरा घर कम पड़ गया था जो आप पोयो रूम्स जा रही है। क्या बोलती रहती है तू, हम लोग ना मूवी देखने जा रहे हैं तो तू डोर लॉक कर लेना। बाय। क्या हो गया दीदी, हम तो पहले ही बोले थे कि कोनो पिक्चर थोड़ी चल रही है।
जैसे सोनू की टीटू की स्वीटी, क्या आप नेहा दीदी को एक बार बोलेंगी कि या तो इस घर में मैं रहूंगी या वो, और वो उसको भगा के आपको चुन लेगी। ये सब कुछ पिक्चरों में ही होता है, पता है मेरे को। निकल यहाँ से, भलाई का जमाना ही नहीं है। पिक्चर थोड़ी चल रही है। वैसे जो भी बोलता है वो सच हुआ है अब तक, इसका मतलब नेहा, राहुल, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ तो आरिता बोल। मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। जल्दी बोल यार, हम लोग ना बहुत थक गए हैं। हाँ यार एक्स प्लीज यार, और वैसे भी मेरी रियलमी वॉच एस प्रो बता रही है कि हमने आज बहुत कैलोरीज बर्न करी है। बैठो चुपचाप। बात सिर्फ इतनी सी है, मैं गलत ये सही, ये अच्छा मैं बुरी, ठीक है? अब तुझे चूज करना है, या तो ये या मैं। मतलब या तो ये इस घर में रहेगा या मैं। अभी तू डिसाइड कर ले। कोई बात होता है, होता है। बाय दीदी। वो कहा है ना कि हम तो पहले ही बोले थे कोनो पिक्चर थोड़ी चल रहा है। Hey guys! I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें एंड शेयर करें, और अपना फेवरेट पार्ट नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। एंड टुडे वी हैव अ सुपर कूल प्रोडक्ट टू शो यू गाइस। इट हैज अ 1.39 इंच लार्ज एमोलेड टच स्क्रीन विद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इट ऑल्सो हैज हाई प्रिसिशन डुअल सैटेलाइट GPS विद 5 एटमॉस्फेयर वाटर रेजिस्टेंस। एंड अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता तो ये रहा पानी और ये रही वॉच। And most importantly for the health conscious people, it has a heart rate monitor and a blood oxygen monitor with 14 day battery life. So what are you guys waiting for? Go check out the Realme Watch S Pro right now and put your hands on it. And baki daily drill to aapko pata hai idhar khola aayega, daba do, subscribe kar do, wait for the next video, daba do, bye bye guys.